न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सरहद, स्वनंद एडवेंचर, रन बडीज क्लब और सेवक एनजीओ ने कारगिल मैराथन 2017 के आयोजन के बारे में जानकारी दी। कारगिल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2017 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जुलाई माह में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का कारगिल और द्रास वर्ष 1999 से भारत पाक युद्ध के तौर पर पहचाना जाता है। सरहद गए 10 साल से ये प्रयत्न कर रहा था कि कारगिल को टूरिज्म और स्पोर्ट्स डेवलप करने के सेंटर के, और उसी श्रृंखला की कड़ी हम ये कारगिल मैराथन 16 जुलाई को करने जा रहे हैं। कारगिल में या लेह एरिया में फॉर लास्ट 15 इयर्स आई हैव बीन देयर। मैं गए 5 साल तो हर साल मैं जाता हूँ। आई एम अ साइक्लिस्ट। सर, ये कारगिल मैराथन है, ये कारगिल यादों, कारगिल शहीदों की याद में और कारगिल को टूरिज्म स्पॉट एक्टिव करने के लिए आपका एम लेकर के आप चले, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इसको आगे बढ़ाएंगे आप? पहली बार हो रहा है ये, पहली बार कारगिल में हो रहा है इतना बड़ा इवेंट। हम चाहते हैं कारगिल में टूरिज्म प्रमोशन हो, हम चाहते हैं साथ ही साथ में कारगिल के लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले। जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो ऑब्वियसली एक टूरिज्म की वजह से वहाँ के यूथ्स को काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, होटल वालों को फ़ायदा होगा, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसी कारण हम सब ने मिलकर इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया है, और प्लस हम चाहते हैं कि इसकी वजह से कारगिल को जाना जाए कि कारगिल इतनी खूबसूरत जगह है, आज तक उसको डिस्कवर नहीं किया। सर, आप कारगिल से हैं बेसिकली, तो एक ये मानसिकता है जबकि रहती है कि जो वहाँ तो कारगिल जो वार है, वॉरियर्स हैं वो ज़्यादा उधर के हैं या मिलिट्री एरिया इफेक्टेड है, तो इस तरफ के लोगों की वहाँ कैसे मेंटेलिटी चेंज करने का क्या एक मीडियम बनाएंगे आप? वेल, हम चाहते हैं वहाँ कोई भी परेशानी वाला, कोई भी परेशानी का समस्या नहीं है वहाँ पे, तो पीसफुल जगह है आजकल वहाँ पे। हम हमारे वहाँ के जो लोग हैं इतने लवली हैं, वो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग आए, पूरे हिंदुस्तान से आए, हम उनको वेलकम करें। जहाँ तक आर्मी वालों का सवाल रहा, हमारा और आर्मी का तो बहुत बड़ा अच्छा तालमेल है, क्योंकि आर्मी हमेशा हर मुसीबत में वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग आर्मी का सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा कम्बिनेशन है हमारे वहाँ पे, खुशी खुशी सब साथ। हम चाहते हैं कि देश के अदर दूसरे कोनों से भी लोग आए और उसको एक मिलिट्री अफेक्टेड एरिया ना मान करके टूरिज्म स्पॉट के रूप में उसको। बिल्कुल आपने सही बोला, हम यही चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं देश को। आप पूरे हिंदुस्तान से तो क्या पूरी दुनिया से लोग आए, कारगिल एक कारगिल को खूबसूरती है बनाए, कारगिल इतनी खूबसूरत है ताकि पूरी दुनिया जान जाए। कारगिल में एडवेंचर है, कारगिल में कल्चर है, कारगिल एक हिस्टोरिकल जगह है, उस चीज़ का लुत्फानंदोज़ होता है। सर, आप खुद एथलीट हैं, साइक्लिस्ट हैं, और कारगिल में जो भी रथन का जो एक आयोजन आप करने जा रहे हैं, आपकी जो एसोसिएशन बॉडीज हैं कुछ आपके साथ जो, तो क्या कॉन्सेप्ट मारने इसका चार्मिंग है जो, क्या कुछ इसका सिनेरियो रहेगा और इसके करने के बाद क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद क्या उसका वातावरण चेंज हो पाएगा? जब हमने सोचा कि हमारा ये मतलब जब लोग 120 किलोमीटर दौड़ेंगे, एक एहसास होगा कि उन्होंने देखा है जो हमारे सोल्जर्स वहाँ फेस कर रहे हैं, उसका एक उनको एक अनुभव होगा। मतलब हर किसी को ये तो संभव नहीं कि वो जाकर खुद वॉर फ्रंट पर लड़े, और यहाँ पर एक ये वॉर टफ टेरेन में अपने जवान वहाँ पर है, टफ टेरेन उनको समझने का एक मौका मिलेगा। इस मैराथन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ऐसे में देखना यह होगा कि रन फॉर सरहद से कारगिल और द्रास जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल पाता है और जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र की ओर पर्यटक कितना आकर्षित हो पाते हैं। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए राजेश कुमार के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।